ऊपर खड़े होके हम सीधा ऊपर वाले इसमें जा सकते हैं। तो अभी इसको ऐसा सिस्टम है, ये आगे पीछे होता है। जाने रहा हो डाल, ओके ओके, अभी वो डाल रहे, देखो पीछे वो थोड़ा है ना, अभी काम चालू है उसमें, काम पूरा हुआ नहीं। तो भाई कैसे हो आप सब, मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो सुबह में बैलगाड़ी चारे की भर ली है, दो दिन से हम हाथों से ले जा रहे थे, लेकिन आज बैलों को खेत में काम ही है तो बैलों से ही बैलगाड़ी ले जाने का काम कर रहे हैं। सो अभी चाचा जी बैलों को खींच रहे हैं और बैलगाड़ी भी जा रही है। तो कल और परसों हम दो दिन हाथों से ले गए, तो इन बांधों से खींचने के लिए बहुत ताकत लगती है, तो हमसे तो बहुत मतलब दिक्कत आ रही थी, लेकिन क्या थोड़े से काम के लिए बैलों को लेके आना, फिर उनको ले जाना, उनको क्यों तकलीफ देना। लेकिन आज काम ही है खेत में, तो फिर थोड़ी देर बाद लेने को ही जाना, इसलिए हमने आज उनको लेके आ गए और अभी बैलगाड़ी भी भर के ले जा रहे हैं। इतनी कुट्टी अभी और शाम को थोड़ी ज़्यादा इस टाइम मिल जाएगी, शाम को थोड़ी हरी कम मिलती है, उसमें सूखा ज़्यादा डाल लेते हैं शाम को, सुबह में हरा ज़्यादा सूखा कम रहता है। और इन तीनों शैतानों को सुबह में रात को चारा डाल के रखा था यहाँ पे, प्याज की पत्ती, तो ये ठीक से खा भी नहीं रहे। बेलों को भी डाल के रखी थी वहाँ पे, अभी बेल वहाँ बांध देंगे। और इन तीनों पांचों शैतानों को सुबह में खुराक मिल गई है, तो अभी इनको थोड़ी देर बाद लाइट आएगी, कुट्टी करके चारा डाल देंगे। और अंदर फार्म के अपनी गायों का भी, एक मिनट पहले स्पीकर बंद कर लेता हूँ। तो अभी फार्म के अंदर भी पूरा जो काम था हो चुका है, अभी लाइट आएगी, कुट्टी और डलेगी, गाय खुल जाएंगी। अब तक तो सभी गाय बंदी है, और जो काम थे सफाई के, दूध निकालने के, वो हो गए। सिर्फ अभी फार्म के अंदर चारा डालेंगे, चारा डालने के बाद गाय को खोलेंगे। और अभी चाचा जी बैलों को छोड़ के अपने ट्रैक्टर की ट्रॉली, हम जैसे ट्रॉली को ऊंचा करते तभी जो उसके अंदर चीज़ होती है वो नीचे गिरती, लेकिन यहाँ पे बैलगाड़ी का कुछ अलग है। बैलों को निकालो और पूरा सीधा उसको आगे से उठा दो, तो पिछला वाला पूरा नीचे आता है और जो चारा है वो नीचे गिर जाता है। ट्रॉली की तरह उसका, सिर्फ ट्रॉली की तरह ऊपर का ही नहीं जाएगा, इसका पूरा ही जाता है। तो अभी चाचा जी बोल रहे कि पीछे लो, तभी पिछले पहिया को हम पहिया को पीछे ढक लेंगे, तभी बेल पीछे आ पाएंगे। देखो आ रहे बेल पीछे, इससे उनसे नहीं होता, वो इनमें रिवर्स गियर नहीं होता, तो इसको पहिया को पीछे ढकलना पड़ता। ये देखो पहिया को पीछे खींचो तो आ जाता है, हो गया। तो कुछ इस तरह इसको पूरा उठा के ऐसे नीचे छोड़ देना पड़ता है। अभी देखो पूरा चारा नीचे निकल जाए, फिर इसको आगे से नीचे कर देंगे। ये देखो ऐसे खींच के उसको धीरे धीरे आगे लेंगे, देखो एक एक पहिया को खींच के, और वो अभी धीरे धीरे नीचे आएगा। ये रख दिया और चारा भी आ गया, ट्रॉली की तरह नहीं इसका, इसको पूरा ही उठाना पड़ता है। तो अभी चलो इन बैलों को बांध देते चारे पे, ये चारा खा लेंगे और हम उतने टाइम उस वाले फार्म की सफाई करके आ जाते हैं। कल तो पूरे 4 बज गए थे शाम के, आज जल्दी हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो अभी इस वाले फार्म की हो चुकी है सफाई, और इन सभी के पेट अभी खाली है, और ये भी जाएंगे थोड़ी देर बाद चरने के लिए, तो पेट फुल हो जाएंगे। और अभी नीचे जो गोबर उठाने का काम था हमने वो कर लिया है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी गंदगी है, तो एक दिन इसमें या 2-3 दिन के अंदर में झाड़ू लगाना पड़ेगा। अगर झाड़ू नहीं लगाया तो और गंदा हो जाएगा, झाड़ू लगा देंगे तो अच्छे से दिखने लग जाएगा। इस साइड में बड़े हैं तो इन सबको बांध के रखा था, यहाँ का भी गोबर उठाने का काम हो गया, तो थोड़ी देर बाद इन सबको चाचा जी चराने के लिए ले जाने वाले। सो अभी चलते हैं हम वापस से उस वाले फार्म पे। तो अपने दोनों कबूतर अभी मेरे नज़दीक आ चुके हैं, और यहाँ पे अपने तुअर के दाने पड़े हुए थे, बहुत दिन हो गए पड़े हुए, तो आज ये यहाँ पे दाने उठा रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ से दाने अपने पेट में ले जाते हैं और वहाँ जा के अपने बच्चों को देते हैं। तो अभी ये पूरे दाने यहाँ से उठा लेंगे। देखो अब ना जब से ये आ गए तब से ना, जो अपने कुछ भी दाने हो कौन से भी, तो अभी पहले हमें वो फेंकने पड़ते, मतलब वो अगर मिट्टी में गिर गए तो वो कुछ काम के नहीं। तो लेकिन ये जिस दिन से आए उस दिन से फार्म के आसपास जितने भी दाने पड़े हुए थे वो सारे उठा के ले जा रहे हैं। देखो यहाँ पे भी बहुत सारे थे तुअर के दाने, हर दिन आते हैं, और आज तो मेरे पास नज़दीक आ गए, इतने नज़दीक नहीं आते, लेकिन आज आ गए और यहाँ से दाने उठा के अपने बच्चों के लिए ले जा रहे हैं। तो अभी दोनों चले गए दाने लेके, उतने उनके बच्चों को देंगे, फिर से आएंगे यहाँ से दाने उठाएंगे। बहुत सारे दाने हैं यहाँ पे, ये देखो नज़दीक से दिखाता हूँ कितने दाने पड़े हुए, ये देखो कितने दाने पड़े हुए हैं।
तो अगर ये अगर उठा देने तो ऐसे ये मिट्टी में दब के ख़राब हो जाते, लेकिन ये अभी काम में आ रहे, अपने कबूतर खा पा रहे हैं। यहाँ पे इतना चारा बचा हुआ है, इसमें सिर्फ अभी सिर्फ और सिर्फ हरा उठाएंगे और बच्चों को देंगे, और थोड़ा और हरा बच जाएगा वो शाम को सूखे चारे मिक्स करके अपनी गायों को देंगे। तो अभी इतना सूखा चारा अपना बचा हुआ है, इस साइड से सूखा निकाल रहे हैं हम बच्चों के लिए, और यही से अभी पूरा हरा देंगे। और फार्म के अंदर मैंने हरा और सूखा मिक्स गायों के लिए दिया है। तो अभी बच्चों की बारी, तो यहाँ से बच्चों को भी दे देते हैं। तो अभी राजा को पानी की टैंक के अंदर डाल दिया है, और यहाँ पे पूरा साफ पानी है, तो देखो घूम रहा है, और टैंक में पानी चालू है, पानी आ रहा है, और यही से नीचे से पानी निकलने के लिए जगह है, लेकिन वहाँ पे मैंने बड़ा सा पत्थर रख दिया है जिससे पानी निकल सकता है, लेकिन राजा नहीं निकल सकता। और ये सामने डैम का भी चल रहा है, यहाँ पे बोरवेल का भी चल रहा है, तो बोरवेल का पानी टैंक से होते हुए यहाँ पे नीचे पत्थर है, ये वाला है देखो, यहाँ पे पत्थर नीचे, तो यहाँ से पानी तो यहाँ पे निकल रहा है, ये देखो नीचे, लेकिन राजा नहीं निकल सकता, सिर्फ पानी निकल सकता है। और सामने देखो राजा घूम रहा है, और ताज़ा पानी है वो बोरवेल का, अच्छा वाला एकदम, यहाँ पे वो घूमेगा और पानी भी नया उसको मिलता रहेगा। अभी खाने की कोशिश कर रहा है वो, वहाँ पे बहुत सारा खाना है, यहाँ पे काई खाता है वो, तो यहाँ पे बहुत सारी काई लगी हुई है टैंक में, यहाँ से वो खा लेगा और उसको नया ताज़ा पानी भी मिलता रहेगा। इस साइड में तीनों बड़े शैतान, इन सबको भी हरा और सूखा मिक्स चारा दिया था, तो इन सबका भी अभी ख़त्म होने में है। और ये चार छोटे शैतान, इनको मैंने सिर्फ हरा दिया था, कपिला गुन में थोड़ा बहुत खा रही थी। तो यहाँ पे जो काम थे वो हो चुके हैं, चाचा जी गए हैं दादर वाले खेत में पानी देने सामने, और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ चारे वाले खेत में। तो अपने पास दो मोटर का पानी है, लेकिन ये दोनों का कम चलता है, लेकिन हम इस वाले खेत में पानी देने का काम कर रहे हैं। तो अभी चाचा जी के हाथ में चील है या बाज है, ये तो हम तो इसको चील बाज यही बोलते हैं, अगर आपके यहाँ और कुछ नाम हो तो हमें बता देना। तो इसको कुछ हो गया है, उड़ नहीं पा रहा था, तो चाचा जी ने इसको उठा लिया देखने के लिए। ये देखो चाची जी के हाथ में, और इसका एक ही काम होता है, जो पंछी होते उसके जो छोटे बच्चे होते वो उनको खाता है, छोटे पंछियों को खाता है, लेकिन ये सिर्फ मांस खाता है और कुछ खाता नहीं है। तो अभी चाची ने उसको पकड़ा है, हुआ क्या है, कहाँ पे चोट है वो भी कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन उड़ नहीं पा रहा है, बैठा था, चाचा जी ने उसको देखा तो फिर चाचा जी ने उसको उठा लिया। ये देखो अभी चाचा जी नीचे रखते हो, रखो तो अगर उड़ गया तो ठीक, अगर नहीं उड़ पाया तो हम क्या और कुछ कर नहीं सकते। ये देखो उड़ गया है, लेकिन इतना ही उड़ पा रहा है। अब यहाँ से थोड़ा उसके पीछे जाऊँगा तो थोड़ा उड़ेगा, लेकिन उड़ पाता है नहीं पता नहीं, चाचा ने अगर उठा ही लिया तो उड़ नहीं पा रहा होगा, तभी उठाया है ना। ये देखो ये भी बैठा है, कोशिश कर रहा है, ये देखो, या फिर छोटा बच्चा है पता नहीं, छोटा बच्चा होगा ये कुछ होगा, नहीं तो उड़ पाता ना। ये देखो अभी नज़दीक आ गया, इतना नज़दीक हो गया तब भी नहीं उड़ रहा। ये देखो डर रहा है मुझसे, मुझे लगता है कि बच्चा होगा, अगर बड़ा रहता तो। ये देखो इतना ही उड़ पा रहा है, मेरे को लगता है ना बच्चा ये बड़ा, नहीं तो अगर उड़ जाता ना फिर वो तो है उसको। क्या होगा ऐसा वो शिकारा उड़ता ही रहता है वो चील। नहीं लेकिन तो अगर कुछ होता तो फिर वो कुछ चोट वोट भी नहीं ना उसको। ये देखो अगर इसको हम रेस्क्यू भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको अपने फार्म पे ले गए तो अपने ही जो कबूतर है उनके बच्चों को खा जाएगा, या फिर बड़ों को भी पकड़ लेगा, कुछ कह नहीं सकते इसका। ऐसे छोड़ दिया तो इसको कुत्ते खा जाएंगे, और दूसरे के नहीं अपने ही खा जाएंगे पता नहीं, लेकिन हुआ क्या है पता नहीं। और उसको मेरे को लगता है ठंड लग रही है, पूरा काँप रहा है वो। देखो भाई साहब क्या हुआ है, कुछ बता सकते हो आप, आपका इस बारे में कुछ कहना है कि आपको क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या पकड़ लिया जाए। तुम्हें इसको पकड़ के भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये अपना ही नुकसान करेगा। हेलो कुछ कहना चाहोगे? अरे भाई कुछ बोल, चल उड़, सिर्फ देख रहा है। अरे अभी चिल्लाया क्यों, चिल्लाया पता नहीं, उठा लेते इसको, अगर क्या हो सके तो पेड़ पे रख देते। तो अभी चाचा जी घायल बाज को पेड़ के ऊपर रख देंगे, जिससे वो यहाँ पे सुरक्षित रहेगा थोड़ा,
क्योंकि अपने डॉग पता नहीं कब आ जाए। देखो गिर रहा है, उसको पेड़ के ऊपर चढ़ना भी नहीं आ रहा। ये देखो खुद के पैर भी नहीं लगा रहा वो बैठने के लिए, इसे उसके पैर उसने सिकुड़ लिए हैं। अभी तो रख दिया है हमने, ये देखो अभी बैठा है। मुझे लगता है बच्चा है, चाचा जी बोल रहे हैं कि ये घायल है कुछ अंदर से ही, क्योंकि ये उड़ नहीं पा रहा। चाचा जी बोलते इनकी हाइट इतनी होती, मुझे लगता है कि भाई और बढ़ेगा, मतलब बड़ा होगा, बच्चा होगा, ऐसा लग रहा है। अभी तो हमने रख दिया है, अभी उसकी मर्जी, यहाँ पे बैठा रहे उड़ के चले जाए। अगर ये 2-3 दिन तक ऐसे मतलब जी सकता है, अगर उसने कोई खाना नहीं खाया तो फिर वो अपनी जान खो देगा। ये देखो कैसे बैठ रहे हो। अभी मैं नज़दीक जाऊंगा तो डर के नीचे छलांग लगा देगा, इसलिए हम उसको अभी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, उसको रहने देते। अपनी मर्जी के हिसाब से वो बैठेगा या उड़ के चला जाएगा। हुआ तो कुछ दिख नहीं रहा, अगर हमने इसको पकड़ा भी तो हम इसका कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये खाता मांस है, तो हमें तो ऐसा कोई चीज़ नहीं चाहिए। जो कि दाने वाने खाता तो मैं इसको लेके चला जाता और अपने कबूतर के पास रहता, लेकिन ये अपने को ही खा जाएगा, मतलब अपने कबूतर को। हमने उसको भी वही छोड़ के अपना काम दूसरा करने के लिए रास्ता पकड़ लिया है। तो अपने दोनों बैल फार्म पे रहने वाले खेत में काम थे इसलिए, और अभी तक काम चालू भी नहीं किया, और ये अभी खाली पेट है और ये चिल्ला रहे कि हमें छोड़ दो चारा खाने के लिए। इतनी सारी प्याज की पत्ती डाली लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाई, बहुत थोड़ी कम खाई है। तो अभी इस सारी प्याज की पत्ती को हम इस वाले टब में भर के फार्म के अंदर वाली गायों को डाल देंगे, और यहाँ पे हम इसको इनको सूखा और हरा मिक्स चारा दे देंगे, तो कि इनका पेट भी भर जाएगा हमें काम करने के लिए। इनका पेट भरेगा तभी काम हो पाएगा खेत में, इसलिए अभी काम चालू नहीं कर पाए क्योंकि ये खा नहीं रहे थे। अभी ये सब उठा के इधर दूसरा चारा देंगे, वो खाने के बाद ही इनका काम खेत में चालू हो पाएगा। और यहाँ पे पानी चालू कर दिया इस वाले खेत में, तो यहाँ पे भी हल चलाना है, लेकिन पहले ये खेत में पानी दिया है, ये खेत सूखेगा उसके बाद इसमें हल चलेगा और इसमें गोबर खाद डाल के तभी ये जो नया चारा है वो अच्छे से हो पाए। क्योंकि एक बार खाद डालने के बाद 2 या 3 बार अच्छे से काट पाते तो तीसरी बार ये सामने वाला कट रहा है, ये और हाइट में बढ़ता, लेकिन अपने पास वाला अभी दूसरा अवेलेबल नहीं है हरा चारा, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी काट रहे हैं। लेकिन जो अभी पीछे होगा इसमें हम खाद डाल के उसको बड़ा करेंगे। तो अभी तो पानी चालू कर दिया है तो ये पूरा भरेगा, और इतना ही भरना है, बाकी फिर आगे वाला थोड़ा सूखा रहने देंगे जिससे हमें काटने में आसानी हो। तो इतना भरने के बाद मोटर को बंद करना है। तो अभी सभी शैतानों को मैंने पानी पिला दिया है, और पानी पिला के सबको सूखा और हरा चारा मिक्स दे दिया है। तो अभी सातों शैतान खा रहे अभी हरा और सूखा चारा मिक्स। लक्ष्मी भाई साहब उसके अलग ही है, अपने धुन में घूम रही हो। खुराक अभी निकालनी बाकी है, खुराक निकाल के पानी में डालनी है। और पिताजी यहाँ पे सामने हल चला रहे, ये रहे तो 2 एकड़ में चला के आ गए वो, और अभी 1 एकड़ ये वाला बाकी है। तो राजा भाई साहब यहाँ पे पानी में, पानी से सिर बाहर निकाल के क्या देख रहे हैं, हाय राजा। तो अभी सुबह तो ये पानी में नया वाला पानी चल रहा था टैंक में, और पुराना पानी इस वाले नीचे वाले पाइप से निकल रहा था, वहाँ पर मैंने पत्थर रख दिया जिससे भाई साहब बाहर नहीं आ सके। तो उसने आज सुबह बहुत अच्छे से नहा लिया, घूम लिया, और इस वाले खेत में पानी देने का काम हो गया है, पूरा इधर पानी दे दिया। अरे यार ये शैतान कबूतर भी ना, तो सामने वाले खेत में भी ये वाले पूरे यहाँ से वहाँ तक पूरा पानी दे दिया इस वाले खेत में, और इतने शैतान कबूतर है अपने, जिस बर्तन में उनको दाने रखे थे वही उन्होंने उनके घर में से बर्तन गिरा दिया। चलो अभी दिखाता हूँ आगे चल के कि कहाँ से गिरा। ये देखो पूरे दाने यहाँ पे दिख रहे इतने दूर से, पूरे उसमें गेहूँ और चावल थे, और पूरा इधर नीचे गिरा दिया, यहाँ पे अंदर रखा हुआ था और यहाँ से उसने गिरा दिया। और ये रहा शैतान जिसने गिराया, ये देखो यहाँ पे बैठा है। तो अभी इस बर्तन को सीधा उठा के अंदर रख देंगे, ये पूरे दाने ख़त्म करें यहाँ पे भी पड़े, तभी हम नए दाने उनको देंगे। फार्म के अंदर भी अपनी सभी गाय वापस से उठ के चारा खाने के लिए चली गई है, ये रही बाकी इस साइड में है। और अभी यहाँ पे थोड़ा गोबर है वो भी उठाना है, उस वाले फार्म पे सुबह उठा के आए थे लेकिन और थोड़ा हो गया होगा, वो भी उठाने जाना है, टैंक में भी पानी भर लेते हैं। तो अभी अपनी सभी गायों का फिर से चारा खाना हो गया, और शांति से यहाँ पे आके खड़ी है सभी। और ये दोनों शैतान फिर से आ गए दाने खाने के लिए नीचे, दोपहर को एक आ रहा था एक घर के अंदर बैठ रहा था, लेकिन अभी दोनों आ गए नीचे, फटाफट फटाफट दाने खा लेंगे उसके बाद जाके बच्चों को खिलाएंगे,
यही काम है इनका भी। अच्छे से अभी ये अपने बच्चों को दाने खिलाने लगे हैं। और इस साइड में ये जो शैतान, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे चिड़िया नहा रही है पानी के अंदर। ये देखो, मेरा कैमरा जूम भी नहीं होता। वो देखो देखो सामने देखो, उड़ के चली गई। तो वो पानी के अंदर नहा रही थी। और इस साइड में अपने छोटे शैतानों को हमने हरा और सूखा मिक्स चारा दे दिया था, तो इन्होंने यहाँ से खा लिया है। इस साइड में दो, मतलब तीन, दो बेटे, एक खड़ा है महाराज। इस साइड में ये सभी, इनका भी चारा खाना हो गया है। और अभी तक खुराक को पानी में डाला नहीं, तो पिताजी डालेंगे। हम जा रहे हैं अभी चारा काटने के लिए। और यहाँ पे अपनी पाइपलाइन हो गई है लीकेज। ये देखो, यहाँ से पानी निकल रहा है ऊपर, यहाँ से ऊपर निकल के फिर बह के यहाँ पे जा रहा है। और ये पानी इधर निकलता है, ये देखो, ये सामने पाइप है यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर आ गया होगा कचरा, तो वहाँ तक पानी नहीं आ रहा है। यहाँ पे जॉइंट है, तो जॉइंट से निकलना शुरू हो गया। और ऐसे अभी बह के जा रहा है, तो इसको भी रिपेयर करना पड़ेगा। कोई सरिया डाल के जो पाइप के अंदर कचरा होगा वो निकाल के पाइप सही हो जाएगा। और इनका भी काम हो गया, सो भी चलते हैं चारा काटने के लिए। तो अभी चारा हमने काट के रखा है, इतना तो कट गया। अभी ये बैलगाड़ी में भर के ले जाने का काम है। और मेरे इस साइड में पूरा भी काटना बाकी है। और यह हमें अभी और काफ़ी दिन काम में आएगा। और अभी नए जो आपने लगाया था उस वाले खेत में भी अभी हो रहा है, वो भी अभी 15 से 20 दिन के अंदर काटने लायक हो जाएगा। उतने में ये वाला तो ख़त्म हो जाएगा, फिर वो वाला उतने में शुरू हो जाएगा। तो अभी हम चल रहे हैं वापस, काम पे भी बहुत सारे काम है, वो भी निपटाते हैं। कपिला और लक्ष्मी ने यहीं पे खुराक खा ली थी, तो इनका पेट हो गया है फुल एकदम से बढ़िया। लक्ष्मी का नहीं हुआ, कपिला का ही हुआ है, और उसने अच्छी खुराक खाई है। और मैंने आज दो कढ़ाई में खुराक रखी, विक्रम को, अकेले को, और गुड़िया और आरती को साथ में रखी है। तो इन दोनों की जितनी रहती है मैंने साथ में रख दी, तो इन दोनों ने सही खा ली। विक्रम को अकेले को रखी तो उसने भी सही खा ली, नहीं तो इसको पहले रखते उसके बाद उठा के इन दोनों को रखते। तो भाई साहब को मौका मिल जाता है तो फिर वो फटाफट खा लेता है, लेकिन मैंने उसके जो हिसाब की निकलती उतनी रखी, तो आज किसी में दिक्कत नहीं आई, सही से खा ली तीनों ने। और इन तीनों को भी मैंने सूखी दे दी है, अभी इनको भी अभी कोई दिक्कत नहीं। अभी अभी अंदर आएंगे, अपने सेफ्ट रूम में सूखा चारा रख दिया है, थोड़ा हरा मिक्स, और पानी अभी बाकी है, पानी भी रखेंगे। और अपने जो फार्म के अंदर गाय है सबकी भी खुराक खानी हो गई है, और सभी गायों को भी बांध के रखा है। कबूतर भी अपने घर के अंदर पहले से ही चले गए, चाचा जी सामने खाना खा रहे, सुबह से भी खा रहे हो, और गाय चराने गए तो अभी शाम को आए, मतलब सुबह उन्होंने नाश्ता किया था मेरे साथ, और तब से गाय छोड़ के चले गए। तो अभी 5 बजे गायों को बंद किया और अभी खाने के लिए बैठे, मतलब पूरा दिन खाली पेट ही काम किया उन्होंने। और इस साइड में अपने राजा भाई सबको टैंक में छोड़ा था, और अभी तक वो टैंक में ही है। ये रहा, हाय राजा, ये रहा राजा। और ये भी थोड़ी देर बाद जाएगा उसके घर के अंदर, उसको थोड़ा टाइम है अभी, तो उतने टाइम में हम फार्म के अंदर, सॉरी सेफ्टी रूम के अंदर पानी रख लेते हैं बच्चों के लिए, फिर दूध निकालने का काम करेंगे। कबूतर तो आ गए, उनको सिर्फ अभी दरवाज़ा बंद करना है, डॉग को खाना देना है। फार्म के अंदर बेचारा डल चुका है, उस वाली फार्म की गाय भी बंद हो चुकी है। अभी तो मतलब सिर्फ और सिर्फ दूध निकालना ही बाकी है, फटाफट दूध भी निकाल लेते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो, एक पतरा से अच्छे वाला एक पायदान बनाया है, इससे खड़े होके यहाँ पे अपनी ये ट्रॉली, तो ये प्लेन है, मतलब ये तो नॉर्मल ट्रॉली, इसके ऊपर भी और आएगी तो फिर ये पूरा, ये तो 2 फीट और इसके ऊपर 2 फीट, 4 फीट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर टायर से ऊपर जाने की कोशिश की तो 4 फीट एकदम से नहीं जा पाता कोई भी, तो इसलिए यहाँ पे एक बनाया है बीच में, जिसके ऊपर खड़े होके हम सीधा ऊपर वाले इसमें जा सकते हैं। तो अभी इसको ऐसा सिस्टम है, यहाँ के पीछे होता है। जाने रहो डालो, ओके ओके, अभी वो डाल रहे, देखो पीछे वो थोड़ा है ना, अभी काम चालू है, उसमें काम पूरा हुआ नहीं, तो पूरी बनने के बाद फटाफट अंदर बाहर इस तरह इसकी वर्किंग होगी। और ये जो है सारे लग चुके हैं, ऊपर वाला डिजाइन भी बन चुका है। यहाँ पे अभी सीढ़ी लगना बाकी है, तो वो भी काम हो जाएगा। यहाँ पे हम अपना जो पावड़ी है,
टिक्कम है वो सब इस जगह पे लगाने के लिए वो भी बनना बाकी है, वो भी हो जाएगा। और इस साइड में एक पीछे वाला पड़ा है, ये भी अभी लगाएंगे वो कल। आज तो बहुत सारे काम उन्होंने करके रखे, कल तो सब लगाने बाकी थे, ये देखो आज पूरे लगा दिए उन्होंने और वेल्डिंग से सब पैक कर दिए हैं। तो अभी इनको सपोर्ट दे के अंदर खींचा है ट्रॉली को, ये जो खाम है ये सही एक एंगल में आ जाए, आगे पीछे जो थे वो सही कर लिए। और बाकी यहाँ पे देखो ये वाला सेक्शन बाकी था कल, तो ये भी आज उन्होंने लगा के रखा है। ये वाले देखो नट बोल्ट नए डाल के अच्छे से पैक कर दिया है, इस साइड पे एंगल लगा दिया है, नीचे एंगल नहीं था पहले अपनी इस ट्रॉली को, तो उन्होंने लगा के रखा है। उधर की साइड भी ऐसा ही लगाया है, और ये देखो पुराने सभी वैसे ही पड़े, अभी इसमें से कुछ अपने को काम आने वाला नहीं तो वैसे ही छोड़ दिए। बाकी एक वाला बड़ा एंगल बाकी है और वो लगेगा पीछे की साइड इस जगह पे, यहाँ पे नीचे, जिससे अगर पीछे से कोई भी गाड़ी और ट्रैक्टर कोई भी आया तो सीधा अपनी ट्रॉली को नहीं ठुकेगा, बम्पर रहेगा ये नीचे, इस बम्पर से अपने ट्रॉली का बचाव हो पाए। तो ये सब तो आज इतना काम हो चुका है, मुझे तो ये सबसे अच्छा लगा ये वाला। तो अभी इसका भी काम चालू है, तो अभी ज़्यादा इसको छेड़ते नहीं है, तो ये इस पर खड़े रहो सीधा ऊपर चले, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं, ट्रॉली का बोल रहे खींचो। ये देखो इस तरह एकदम मोटाई और मजबूती बढ़िया वाली है, ये देखो 4 इंच वाला ये बहुत, और ये 3 इंच वाली प्लेट है, तो मजबूती बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं। और इस साइड में भी देखो छोटा सा गैप है पूरा, या पिंगल आ गया तो बहुत ज़्यादा बड़ा सपोर्ट हो गया, अगर इसके अंदर हम पत्थर भी भरेंगे तो भी कुछ होने वाला नहीं, एकदम बढ़िया वाला काम हो चुका है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।